मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी तो राह शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला ना सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। सो गाइस, अभी जो हमारे देश में करंट सिचुएशन चल रही है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो उसके बारे में मैं सोचा तो मुझे कुछ लाइनें याद आई जो मैं स्कूल के टाइम पे मैं पोइट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और ये पोएम पढ़ा था और जीता था फर्स्ट प्राइज, तो ये लाइन मुझे याद आ गई। कोविड से बहुत सारे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज वन को खो दिए और बहुत ख़राब सिचुएशन है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने घर पे बच्चों का ख्याल रखें और बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखें। आप भी अगर कोई भी चीज़ से, कोई भी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए या कोई भी काम से अगर बाहर जा रहे हो तो जब घर आ रहे हो प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करो। बच्चों का और बड़े बुजुर्ग का ज़्यादा ख्याल रखो क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम और इंटरनल ऑर्गन्स कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। तो अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। ऐसे टाइम पर देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और इसी के बीच पे सोशल मीडिया पे कुछ वाहियात लोग हेट फैला रहे, नफ़रत फैला रहे, तो वैसे लोग को आप देखो मत और रिपोर्ट करो और स्ट्रिक्ट एक्शन लो। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो आप लीगल एक्शन लो, कार्रवाई करो उन लोगों के ऊपर। मैं देखा बीच में कोई भी मुंह उठा के, अजीब सा मुंह लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, इस्लाम के बारे में फालतू बातें किया एक किसी ने, उसके बाद में किसी के मरने पे कोई जश्न मना रहा और बोल रहे कि वो किसी रिलीजन के बारे में कुछ बोला था इसलिए हम लोग जश्न मना रहे, तो ये कोई बात का सेंस नहीं हुआ। क्योंकि अगर कोई मर रहा है, किसी की डेथ हो रही है और आप अगर जश्न मना रहे तो आपका हक नहीं है। अगर कोई किसी रिलीजन के बारे में बोला है, गलत बोला है, तो उसका जजमेंट आप नहीं करोगे, खुदा करेगा। आप उसकी चिता में साथ में नहीं जलने वाले हो, आप उसकी कब्र में साथ में नहीं जाने वाले हो, आपका अमाल आपके साथ रहेगा। और ये जो नफ़रत फैलाने वाले लोग हैं, ये कुछ ही लोग हैं, तो प्लीज़ आप ये कुछ लोग के वजह से पूरी कम्युनिटी को जज मत करो, ये कुछ लोग हैं। और हम चाहे तो इन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं ताकि आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे ऐसे चीज़ करने से, जिसके वजह से बहुत हेट फैल रहा है दुनिया में। और मैं देख रहा हूँ समझदार लोग जो है वो समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग उसमें भी जाके लड़ रहे हैं, कमेंट में हेट फैला रहे, ये सब चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग ये सब चीज़ों में ना पड़े। और सिमिलरली मैं बीच में देखा था एक यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो आई थी ऐसी, इस्लाम के बारे में फालतू वाहियात बातें किया था उसने, उसका वीडियो टेक डाउन हुआ, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया, कंप्लेन भी किया। फिर कुछ ही दिन बाद एक दूसरे यूट्यूब चैनल से हिंदू रिलीजन के बारे में फालतू वीडियो, अगर चाह ले तो ये जो वीडियो पोस्ट करते हैं और हेट फैलाते हैं ये कुछ लोग, इन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं ताकि आगे चल कोई हिम्मत ना करे, पर ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनडायरेक्टली इसमें भी इन लोग पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। और पॉलिटिक्स खेलने का मतलब, मकसद क्या है आप वो सोचें। दुनिया में बहुत सारे ज़रूरी पॉइंट्स है, मुद्दे हैं जिस पर आवाज़ उठाना चाहिए, पर यहाँ पे कम्युनलिज्म लेके आ जाते ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो जाए और इधर आ जाए। असल मुद्दा है बेरोज़गारी, असल मुद्दा है भुखमरी, उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहे। आवाज़ किस लिए उठा रहे? रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी जो जाहिल लोग अपनी कम्युनिटी, कुछ जाहिल लोग जो अपनी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने वाले बोलते हैं अपने आप को। पहली बात तो उन लोगों को कोई मान धर्म ही नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलीजन दूसरे रिलीजन को गलत बोलना नहीं सिखाता है। अगर कोई बंदा बोलता है कि मैं ये रिलीजन का हूँ और ये धर्म गलत है, तो उसका कोई रिलीजन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं सिखाता है कि दूसरे रिलीजन को गलत बोलना। तो आप लोग ऐसे ढोंगी लोग से दूर रहो, और आपको जहाँ लग रहा है कि कोई चीज़ से हेट फैल रहा है तो आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में और लीगल कार्रवाई करो, और दूर रहो ये सब चीज़ों से, नेगेटिविटी से दूर रहो। और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा अधिकार है ये सब चीज़ों पे आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाना है, आवाज़ उठाओ, भुखमरी पे आवाज़ उठाओ। कोविड के वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने फैमिली मेम्बर्स जो
पूरी फैमिली जिसके ऊपर डिपेंडेंट थी उन लोगों को खो दिया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग घर पे पड़े, भूखे मर रहे लोग, कोविड से तो मर ही रहे थे पर अब भूखे मर रहे लोग, उसका क्या? कोविड की बीमारी जो है उससे तो लड़ ही रहा है हमारा देश, उसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे देश की है, भूखमरी और बेरोज़गारी। इसके बारे में क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? पर नहीं, सोशल मीडिया पे आके लोगों को करना है हिंदू मुस्लिम, जात धर्म ये सब भेदभाव। कभी कभी ऐसे सोच के लगता है कि क्या होगा आगे देश का। ये कुछ हेट फैलाने वाले लोगों के वजह से ये चीज़ इतनी बढ़ती जा रही है पर मेन मुद्दे पे बात नहीं किया जा रहा है। आवाज़ उठाना है आप लोग को, इतना गुस्सा है आप लोगों में जो ये हेट फैलाने लोग को फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचो, जो फैमिली, अगर फैमिली किसी इंसान पर डिपेंडेंट है और उसकी डेथ हो गई है, अब फैमिली का घर कौन चलाएगा? जो इंसान के ऊपर डिपेंडेंट है, जो कमाने वाला था, उसकी डेथ हो गई है, उसके ऊपर आवाज़ उठाओ। हमारा अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए, उसमें से कुछ राइट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, हिंदू मुस्लिम छोटा बड़ा अमीर गरीब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सब बराबर है। तो आप अगर इंडियन हो तो आपका अधिकार है आवाज़ उठाना। राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप अगर इंडियन हो, आपके सामने अगर कुछ गलत होता है तो आपका हक है आवाज़ उठाना। आप इंडिया में कहीं पे भी जाके रह सकते, ऐसे तो बहुत सारे राइट्स हैं मगर मैं आपको बता रहा हूँ आपका अधिकार, आप आवाज़ उठा सकते हो, ये आपका हक है। एडुकेशनल एंड सोशल राइट्स, सॉरी एडुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को खो दिए, उन लोगों की पढ़ाई और उन लोगों का खर्चा कौन उठाएगा? उसके बारे में आवाज़ उठा, पर नहीं उठाना। यहाँ पे लोगों को करना है हिंदू मुस्लिम जात पात। कुछ ढोंगी और वाहियात लोगों को देख के जो सोशल मीडिया पे और फालतू ये सब हेट फैला रहे, उन लोगों पे जाके कमेंट्स करना और वहाँ पे लड़ना है। मेन मुद्दे पे आवाज़ उठाओ। अभी इसी टॉपिक पे मैं बहुत ही जल्द, जैसे ही रमज़ान ख़त्म होएगा, मैं अब्दुल के साथ कुछ बहुत जल्द आने वाला हूँ और सच बोलने वाला हूँ। और सच थोड़ा कड़वा है पर आप लोग देखते रहो और स्टे सेफ। अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने आस पड़ोस जो भी आपके घर के नियर बाय है, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो तो बिना जात बिना रिलीजन बिना कास्ट देखे आप उनकी हेल्प करो और स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।